कलर कॉस्मेटिक मेबलिन फेसेस लैक्मी नाइन प्लस कलर बार स्किन केयर में ओशिया वाओ रिच फील रागा और भी बहुत कुछ जो आपको मदद करे और भी खूबसूरत दिखने में पायल ब्यूटी कॉर्नर। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि जिस तरह से मुमरा कौसा में रोड के किनारे हॉकर बैठते हैं, लेकिन मनपा का कहना है कि अभी ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये रोड जो है इसे जो हाईवे का दर्जा है इसका अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए मनपा के अधिकारी जो है हॉकर्स को रोड पर बैठने से मना कर रहे हैं। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से जो है मनपा जो लावारिस गाड़ियां पड़ी हुई है रोड के किनारे उन पर कार्रवाई कर रही है, उनको उठा के ले जा रही है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो वारिस है जिन गाड़ियों के, उन गाड़ियों पर थाने महानगर पालिका और ट्रैफिक विभाग कार्रवाई कब करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। आपको दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पर देखेंगे गुलाब पार्क मार्केट का ये इलाका है, यहाँ पर बड़ी तादाद में रोड के किनारे जो है गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क की जाती है, यानी कि अवैध तरीके से ये गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क की जा रही है। मनपा अगर कहती है कि इसका हाईवे का दर्जा खत्म नहीं हुआ है, हॉकर इस पर नहीं बैठ सकते हैं, तो फिर क्या जिसे हाईवे का दर्जा मिला है वहां पर इस तरह से अवैध गाड़ियां वहां पर पार्क की जाएंगी? कहीं ना कहीं मनपा जो है इस कार्रवाई करने में फेल नजर आ रही है। आपको बता दें कि गुलाब पार्क मार्केट से लेकर दारुल फला मस्जिद और शिमला पार्क का काम चले जाएंगे, तो इसी तरह से जो है यहाँ पर आपको कार्रवाई आपको दिखाई देगा कि रोड के किनारे किस तरह से अवैध तरीके से पार्किंग की गई है। और ठाणे महानगर पालिका कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस तरह के जो अवैध पार्किंग है इन्हें जो है कार्रवाई करने में फेल होते नजर आ रही है। हमारे साथ नगर सेवक जफर नुमानी मौजूद है। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से मनपा के अधिकारी कहते हैं कि ये हाईवे का दर्जा है भी, ये हाईवे रोड है और यहाँ पर जो है हॉकर नहीं बैठ सकते हैं, तो क्या यहाँ पर जो है इलीगल पार्किंग हो सकती है? इलीगल पार्किंग बिल्कुल गलत है, अवैध है। मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ इस्लामुद्दीन भाई, जो हमारा ट्रैफिक का विभाग है वो पूरी तरीके से फेल है, करप्टेड है। अगर आपको सिर्फ पैसा, ट्रैफिक विभाग जो है सिर्फ पैसा कलेक्शन करता है, अगर आपको देखना है तो जो मुमरा बाईपास है ये अगर वसूली का अड्डा अगर बोला जाए, ट्रैफिक वालों की तरफ से वसूली का अड्डा बोला जाए, तो ये गलत नहीं होगा। आप जब भी जाइए शाम में जा करके चले जाइए, पूरा ट्रैफिक बाईपास जो जंक्शन है पूरा ट्रैफिक जाम रहता है, ये सिर्फ पैसा वसूली करते हैं। और सुरेश लंबाते साहब, मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ, शहर में ये टाइमिंग है, मैं अभी यहाँ पर रोड पर खड़ा हूँ, मुमरा स्टेशन से लेकर के कौसा तक आपका ट्रैफिक का एक भी पुलिस कांस्टेबल मौजूद नहीं है। कहाँ है ये लोग, सिर्फ पैसा वसूली कर रहे हैं क्या? ये बिल्कुल बाईपास पे पैसा वसूली करते हैं मुझसे उनके डिपार्टमेंट। जफर भाई, जिस तरह से ठाणे महानगर पालिका लावारिस गाड़ियों जो गाड़ियां जो यहां पर हैं रोड पर उन्हें उठा रही है, लेकिन जो वारिस है जिन गाड़ियों के, ऐसे देखिए आप यहां पर देख लीजिए खड़ी है, क्या इन गाड़ियों के कोई वारिस नहीं है क्या? इन लोगों की गाड़ियां जो इसी तरह से पार्क की गई हैं, अवैध पार्किंग है। मनपा के अधिकारी कहते हैं कि ये हाईवे का दर्जा अभी इसका गया नहीं है, हॉकर बैठ नहीं सकते, तो इलीगल पार्किंग ये कौन हटाएगा, किसकी जिम्मेदारी है? मेरी TMC के लोगों से अपील है और ट्रैफिक के लोगों से भी अपील है, ट्रैफिक के जो इंचार्ज है मेरी उनसे भी अपील है कि आप लोग ज्वाइनली आप लोग इसको जो रोड पर गाड़ियां खड़ी हैं, चाहे वो अभी खड़ी हो या रोज पार्किंग होती है, सुबह पार्किंग होती हो रात में पार्किंग होती हो, इस पर ज्वाइनली उनको बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए और स्ट्रिक्ट कार्रवाई करनी चाहिए। अगर हॉकर गरीब इंसान का आप पेट भरते हुए नहीं देख सकते तो आपको ये गाड़ियों को भी, अमीरों की गाड़ियों को भी हटाना पड़ेगा रोड में से। आप नहीं हटा सकते अगर आपके पास ताकत नहीं है। मैं RTO ट्रैफिक विभाग के लोगों से बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास ये ताकत नहीं है तो आप बोलिए, हम लोग इस पर कार्रवाई करते हैं, हमको ये पावर दीजिए, हमको ये प्रशासन ये पावर दे कि भाई ये गाड़ी। शहर के नेता हॉकर पर बहुत बोलते हैं, बहुत कार्रवाई का नाम लेते हैं, लेकिन जो गाड़ियाँ पार्क है इस पर किसी की आवाज़ें नहीं निकल रही है, जो गरीब है उन्हीं को दबाया जा रहा है। नहीं, गरीब तो गरीब है साहब, मैं उनके लिए बिल्कुल उनके साथ में खड़ा हूँ, लेकिन अगर वो रोड पर बैठ रहे हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इससे अमृत नगर में ही कार्रवाई क्यों, कौसा जामा मस्जिद के पास कार्रवाई क्यों नहीं, और ये कौसा कब्रस्तान के पास कार्रवाई क्यों नहीं, तमाम लोगों को स्टेशन पे कार्रवाई क्यों नहीं, कार्रवाई करो, हम कार्रवाई के बीच में दखल नहीं देते, इनको मित्तल में एक अच्छी सी जगह बना करके दो ताकि ये तमाम लोग जा करके बैठे।
और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि ये गरीब लोग, ये गरीब तबके के लोग हैं जो रोड में। लेकिन जफर भाई, आप लोग यहाँ के नगर सेवक हो, कई नगर सेवक है एनसीपी के, तो आखिर ये इलीगल पार्किंग हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? आप लोग मनपा से, ट्रैफिक विभाग से क्यों नहीं जाकर मुलाकात करते, क्यों नहीं इसको हटवाते हो? आप लोग बार बार कहते हो हाकर की वजह से ट्रैफिक जाम होती है, ये इलीगल पार्किंग जो यहाँ पर की गई है इसकी वजह से ट्रैफिक जाम नहीं होती है? बिल्कुल ट्रैफिक जाम हो रही है। मैं सिर्फ हॉकर्स को इल्जाम नहीं दूंगा, हॉकर्स लगा रहे हैं ठीक है, वो तो साइड में बैठे हुए हैं ठीक है, अगर उनकी वजह से, मैं बोलता हूँ 20% आप रोड के किनारे देखेंगे अभी भी जो हॉकर लगाए हुए हैं, देखो सबसे पहले रोड के किनारे इलीगल पार्किंग है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो हॉकर बैठे हुए हैं, तो आखिर ट्रैफिक किससे हो रही है? मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि अगर ट्रैफिक हॉकर्स की वजह से 20% हो रही है, तो 80% ट्रैफिक जो रोड पर अनलीगल गाड़ियां खड़ी है उनकी वजह से हो रही है। मुझे उसके कहने में कोई शर्म की बात नहीं है। तो आप लोग क्यों नहीं उतरते सड़क पर, क्यों नहीं अपने नेताओं से बात करते, इसको कौन हटवाएगा? मैंने मुमरा प्रभाग समिति में हमारी अध्यक्ष महोदय अश्विन राउत मैडम की अध्यक्षता में मैंने माननीय जितेंद्र अहवार साहब, सैयद अली अशरफ साहब, शमीम खान साहब की क्यादत में मैंने ये बात को रखा था। यहाँ जो मनपा के अधिकारी सड़कों पर घूमते हैं, कार्रवाई करते हैं, आप उनसे कभी पूछे कि ये ट्रैफिक जो ये जाम हो रही है, ये इस तरह से इलीगल पार्किंग है, इसको कौन हटाएगा? इन पर हॉकरों पर कार्रवाई तो करने आ रहे हो आप, लेकिन इसको कौन हटवाएगा? उनसे पूछो ना आप। मैंने सर उनसे मैंने ये कहा ना, मैंने मुमरा प्रभाग समिति की मीटिंग में कहा ये बात, ये गाड़ियों को हटाइए और ये हटाना पड़ेगा। अगर शहर को साफ सुथरा और ट्रैफिक मुक्त मुमरा को करना है तो ये अनलीगल गाड़ियों को रोड पे से हटाना पड़ेगा, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो किसी लीडर की गाड़ी हो या कॉमन आदमी की गाड़ी हो, जो रोड पर गाड़ियां खड़ी होती है उन पर बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। आप ट्रैफिक विभाग मनपा के अधिकारी से कब मुलाकात करेंगे? मैं इंशाल्लाह कल ही, अभी मैं मेरी हमारी अध्यक्ष महोदय अश्विन राउत मैडम को फोन करूंगा और मैं उनसे ये कहूंगा कि मुमरा प्रभाग समिति में एक ज्वाइंटली मीटिंग लगवाइए, टीएमसी और ट्रैफिक विभाग के लोगों के साथ एक ज्वाइंटली मीटिंग लगवाइए और तत्काल मीटिंग लगवाइए और जो रोड पर गाड़ियां खड़ी हैं उन पर फौरन कार्रवाई करने का आदेश दीजिए आप। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो नगर सेवक जफर नुमानी थे, उन्होंने कहा है कि हम ट्रैफिक विभाग मनपा अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, उसके बाद जो ये इलीगल तरीके से जो पार्किंग की गई आपको दिखाएंगे कि आपकी जहाँ तक नजर जाएगी इसी तरह से आपको इलीगल पार्किंग यहाँ नजर आएगी। चाहे मुमरा रेलवे स्टेशन से अगर हम बात करें तो शिमला पार्क तक इसी तरह से आपको रोड के दोनों तरफ जो है इलीगल पार्किंग यहाँ पर नजर आएगी। मनपा के अधिकारी कहीं ना कहीं जो लावारिस गाड़ियां हैं उन पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो वारिस गाड़ियां हैं जिनके मालिक है वो रोड के किनारे लाकर जो है अपनी गाड़ियां पार्क कर रहे हैं, लेकिन मनपा अधिकारी ट्रैफिक विभाग कहीं ना कहीं इन पर कार्रवाई करने में फेल होते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन जफर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।